नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल दीप्ति आकांक्षा ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को ब्लाउज का बैक नेक ब्लाउज डिजाइन बताऊंगी। वो टेक के तहत हमारा डिजाइन रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले इसका हम लेंथ कटिंग कर लिए। लेंथ हम 14 लिए हैं और यहाँ पे देखिए जो हमारा आर्म होल है, आर्म होल यहाँ पे हम 6 इंच रखे हैं। और यहाँ देखिए जो हमारा ऊपर में जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर हम 7 लिए हैं। और यहाँ पे 1/2 इंच नीचे की ओर झुकाव दिए हैं आर्म होल के तरफ। और अब चलिए यहाँ पे अब हम गला बताते हैं। और देखिए आप लोग वीडियो को भगाकर नहीं देखिएगा। अगर आपको एक बार में समझना है तो 2 बार 3 बार आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और ये जो हमारा डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत होने वाला है और बहुत ही पहनने के बाद सुंदर लगेगा। तो आप एक बार अगर बिगनर्स हैं तो ज़रूर ट्राई करें। देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे जो हम सबसे पहले हम गला का चौड़ाई ले रहे हैं, तो गला की चौड़ाई हम यहाँ पे 3 इंच रखेंगे। और उसके बाद गला की जो लंबाई है तो गला की लंबाई यहाँ पे हम 4 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 4.5 लेंगे। 1/2 इंच चला जाएगा हमारा सिलाई में, तो बच जाएगा 4 इंच। तो इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है और उसके बाद गोलाई का शेप देते हुए इस तरह से गुलाई दे देंगे। और अब देखिए जो हमको डिजाइन डालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे 1.5 इंच पहले हम यहाँ पे छोड़ेंगे। और पहले यहाँ पे स्केल के सहायता से पहले एक सीधी लाइन ड्रॉप कर लेते हैं। इस तरह से देखिए एक हम लाइन ड्रॉप किए हैं। और अब देखिए इसको छोड़ते हुए हमको डिजाइन डालना है। तो यहाँ से पहले हम देखिए 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो हमको निशान लगाना है इस तरह से देखिए 4 इंच पे लगाना है। देखिए इस तरह से, यानी कि टोटल हम 4 लिए हैं। और बीच में इधर से हमको ले लेना है 1.5 इंच। देखिए बीच में हम यहाँ से 1.5 इंच लिए हैं और इस तरह से गोलाई देते हुए, और यहाँ पे हमको इसमें मिलाना है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप बड़ा भी डिजाइन डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लेंथ के अनुसार ही हम डिजाइन डाल रहे हैं। और यहाँ पे हम छोड़ेंगे, नीचे में भी हम छोड़ेंगे। और पेस्टिंग लेना है और पेपर पेस्टिंग रखेंगे। और इसमें भी हम इस तरह से पहले हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम 4 इंच ले रहे हैं और एक हमको बीच में निशान लगाना है। और इस निशान की जो चौड़ाई है हम 1.5 इंच रखेंगे। इस तरह से देखिए 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और उसके बाद इस तरह से राउंड में घुमाते हुए इसमें मिलाना है। और अब इधर से हमको इस तरह से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से हमको कटिंग करना है। तो देखिए अब इसको हम इस तरह से 2 फोल्ड रखे हैं और अब यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से पहले हम कटिंग करेंगे। और उसके बाद अब इधर से हमको कटिंग करना है और ज्यादा नहीं, 1.25 इंच हम इस तरह से लेंगे और इस तरह से एक बराबर में हमको कटिंग करना है। देखिए यहाँ पे हम इस तरह से कटिंग किए हैं। और अब यहाँ पे इसको हमको ओपन करना है। तो उसके लिए हमको देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बीच में जो निशान लगाए हैं, तो यहाँ पे हमको इस तरह से हल्का इस तरह से कट देंगे ताकि इससे हमको पता चले। और क्योंकि यहाँ पे हम अभी इस तरह से यहाँ पे देखिए रखेंगे, और रखने के बाद अब इसको यहाँ पे बिल्कुल बीच में हमको रखना है। और अब यहाँ पे हमको अस्तर में इसको हम इस तरह से चिपकाएंगे। देखिए यहाँ पे हम इस तरह से पहले पिन लगा देते हैं ताकि खिसके ना। में हम गला का
जो यहाँ पे ड्राफ्टिंग की है तो इसको भी अब कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम कट करेंगे जो हमारा नेक है। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे कट कर लिए। और अब देखिए हमको क्या करना है। और अब देखिए यहाँ पे हम ब्लाउज का मेन कपड़ा को लिए हैं और इसको हम इस तरह से सीधा रखेंगे। और यहाँ से अब हमको अस्तर को लेना है और अस्तर को हमको इस तरह से रखना है। देखिए यहाँ पे हमको इस तरह से रखना है। यहाँ पे अभी इस तरह से हम रखेंगे बिल्कुल बीच में बराबर में रखेंगे। और यहाँ पे अब हम इसको हमारा कपड़ा खींचते हैं ना, उसके लिए हम यहाँ पे पिन लगाएंगे। इस तरह से देखिए हर जगह हम अटैच करेंगे ताकि खींचे ना। चाहे तो आप यहाँ पे प्रेस की सहायता से भी आप चिपका सकते हैं। और इस तरह से देखिए हर जगह हम कर देंगे। और इसको बाद में हम निकाल लेंगे इसको बनाने के बाद। तो अब चलिए इसको अब हम यहाँ पे सिलाई लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल हमको किनारे किनारे यहाँ पे लगाना है। और अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम सिलाई लगा लिए हैं। अब इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे। और अब यहाँ से हम इसको बीच का कपड़ा है जो इसको अब हम कट करके निकालेंगे। इस तरह से अब हम कट कर लिए हैं। और अब यहाँ से थोड़ा सा हमको कट देना है और इधर से भी हल्का कट देना है। और अब देखिए यहाँ से जितना भी हम पिन अटैच किए हैं टोटल पहले हम निकाल लेते हैं। अब इसको हम इस तरह से अंदर की ओर करते हुए इसको हम पलटेंगे। देखिए दोस्तों पलट दिए हैं। और पलटने के बाद हमारा इस तरह से कुछ आया है। और अब देखिए ऊपर से यहाँ पे हम चाप सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हम इस तरह से चला दिए हैं। और अब देखिए अब यहाँ पे अब हम नेक को बनाते हैं। चलिए दोस्तों अब ऊपर का जो हमारा यहाँ पे जो हमारा गला है, चलिए अब ऊपर का जो हमारा गला इसको हम बनाते हैं। तो उसके लिए देखिए पहले यहाँ पे हम चौक की सहायता से पहले एक लाइन यहाँ पे ड्रॉप किए हैं का कटिंग किए हैं। उसी गोलाई में यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगाए हैं। और अब देखिए हम इसको पलटेंगे सिलाई करके। पहले इसको हमको सीधा रखना है और सीधा रखने के बाद इसको इस तरह से पलटना है। यहाँ पे इसको हम अंदर करेंगे और अंदर करते हुए हमको इस तरह से पलटना है। देखिए यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे। देखिए अब इस तरह से हम पलट दिए हैं और जो निशान लगाए हैं तो इस तरह से अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इसको हम गोलाई में कट इन कर देंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। और अब देखिए दोस्तों इसको अब हम पलटते हैं। तो देखिए अब इसको हम इस तरह से पलटेंगे। तो हम गला के पास में जो 2 इंच लिए थे अब इधर से हमको पलट देना है। इधर से हम इसको पकड़ेंगे और इसको घिसते हुए हमको इधर लाना है। तो देखिए इस तरह से हमारा जो गला है, गला पर भी इस तरह से सिलाई हो चुका है। और अब यहाँ पे भी अब हम ऊपर से चाप सिलाई लगाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब इस तरह से हमारा चारों तरफ सिलाई लगा लिए हैं। और अब यहाँ पे चलिए टेक इन लगाते हैं। तो देखिए अब इधर से हम लेंगे 3.5 इंच पे, 3 इंच पे बिल्कुल बीच से लेना है दोनों तरफ से। और इसका जो लेंथ है, लेंथ हम रखेंगे इस तरह से
4 इंच और इधर भी हम 4.5 इंच रखेंगे दोनों तरफ। और अब चलिए यहाँ पे हम इस तरह से पकड़ के और यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं। कुछ हमारा डिजाइन बनकर आया है और अब देखिए यहाँ पे हम बिल्कुल इसका बीच में यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे बीच में। चलिए अब यहाँ पे हम इसको देखिए इस तरह से हम देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हम ऊपर नीचे दोनों तरफ शो बटन डालेंगे। ऊपर में हम 2 ठो डाले हैं और नीचे में हम 3 ठो डालेंगे, एक यहाँ डालेंगे और एक यहाँ डालेंगे और एक यहाँ डालेंगे। सुई और धागा की सहायता से इसको हम इसमें अटैच करेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है जो हमारा डिजाइन है। तो ये जो हमारा ब्लाउज का जो बैक नेक का जो डिजाइन है वो नेक के तहत डिजाइन है और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। डिजाइन बनने के बाद बहुत ही कम समय में बनकर तैयार होगा। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो आप जरूर एक बार ट्राई करें। और इसी तरह से और भी ब्लाउज के डिजाइन की जानकारी के लिए दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ में।